हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे ना। चलो, वेलकम टू द जेआर कॉलेज। आप सभी का वेलकम है हमारे से प्यारे से प्लेटफॉर्म के, जे एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे, जेआर कॉलेज पे। चलो, सभी बैक हो गए, वापस बीके चैप्टर आ गया है। चलो, आ गया है सम्स करेंगे। सम्स हो चुका है, कुछ प्रीवियस वीडियो में हमने दो तीन सम्स को अपलोड कर दिया है। उसमें आप लोग का जो माइंड स्टैंड है वो बढ़ गया रहेगा। बहुत से बच्चों का कमेंट्स आ रहा है, सर एनपीओ बहुत हार्ड है। एनपीओ हार्ड नहीं है बच्चों, आप हार्ड खुद कर रहे हो। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो एनपीओ क्या कुछ भी हार्ड नहीं है, सब कुछ ईजी है। बट सब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किस तरीके को करते हो। तो अपने जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ाओ, जहां आप दो करते हो वहां चार करो, तो आपको वो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी। एनपीओ हार्ड नहीं है। बहुत से बच्चों को क्या होता है, एग्जाम में एनपीओ टैली नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ें वैसी है ना, वो कंडीशन वैसा है कि एनपीओ क्या कुछ लेना है कुछ नहीं भी लेना है। वो आप कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एनपीओ में कौन से एडजस्टमेंट लेना है कौन से नहीं लेना है बच्चों ना। तो जब आप जितने जितने ज़्यादा उतना आप लोग प्रैक्टिस करते हो, देन आपका जो माइंड सेट है वो धीरे 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 क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, उसके इन्फॉर्मेशन देखे थे, मीनिंग डेफिनेशंस वगैरह सब देखे थे, बरूबर। इसके बाद हम लोग ने क्या फॉर्मेट देखा था नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर में, एंड द थर्ड लेक्चर में हमने देखा था सम्स 1 2, टेक्स्ट बुक के जो अनसॉल्व क्वेश्चन थे वो फर्स्ट सेकेंड देखे थे। एंड आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तीन सम देखेंगे। इसके अंदर ऑलमोस्ट 14 सम है। मैं आई होप कि मतलब मैं पूरा मेहनत करूंगा कि प्लीज़ वो 14 सम जो भी है वो इजीली कवर हो जाए, ठीक है। मैं 14 सम कराने की पूरी कोशिश करूंगा इधर, क्योंकि एनपीओ बहुत हार्ड है, तो इसमें आपको कुछ कुछ ना कुछ कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हर एक सम करेंगे, हर एक सम में अलग अलग ट्रांजेक्शन आएंगे, तो आपको जो डाउट्स रहेंगे वो ईजी वे में क्लियर हो जाएंगे। ओके बच्चों, चलो, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए लेक्चर पे आते हैं बच्चों। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, प्लीज जाके देखो वो वीडियो। वो वीडियो में क्या आएगा, जो आपका जो डाउट्स रहेगा, जो भी आपको इंतर एनपीओ होता क्या है, एनपीओ कैसे करते हैं, क्या है ना, वो सिस्टम आपको वहां पे समझ जाएगा बच्चों। ओके, तो ये फोर्थ चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है। तो आपको पता, जैसे कि हम लोग सेकंड चैप्टर का एनपीओ कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं, अनसॉल्व क्वेश्चन करते हैं टेक्स्ट बुक में का, हमारा वही है, क्योंकि हम किसी का कॉपीज नहीं करते, हम टेक्स्ट बुक में का सम्स करते हैं। उसको मैं आपको सॉल्यूशन निकल के दिखाता हूँ कि किस तरह सॉल्यूशन निकलता है, क्योंकि बाय द वे मैंने पढ़ा है तो मुझे वो इजी लगता है, बट अभी आप नए हो तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, बट करोगे तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। मैं तो विदाउट बुक करता हूँ, नोटबुक्स में पूरा कर लेता हूँ मैं विदाउट किसी को देखे, एंड मैं खाली आंसर चेक करता हूँ कि मेरा आंसर परफेक्ट है कि नहीं। परफेक्ट है तो ऑलवेज सब मेरा राइट है, बिकॉज मुझे तो अच्छे स्कोर थे बीके में, एंड मतलब बीके मेरा कैसा ऑल सब्जेक्ट मेरे को अच्छा इंटरेस्टिंग है, बट बीके कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, तो मेरा तो होगा, इसके लिए मेरे को इजी लगता है, बट आपको थोड़ा हार्ड लगेगा। बट कन्फ्यूज रहना, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, एंड आई विल, आप और मैं मिलकर इधर पे सम्स करके समझ जाएंगे। ये तो मैं अनसॉल्व कराता हूँ, बट अगर सॉल्व क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, अगर आप वो भी करते हैं, अगर आप उसमें भी आपको कोई डाउट आता है, देन आप मुझे पर्सनल इंस्टा आईडी में मैसेज कर सकते हैं Suraj100HH करके, एंड नहीं तो कमेंट सेक्शन के नीचे डाल सकते हैं, मैं आपको वो भी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ओके, बट मैं इसके लिए नहीं करता, क्योंकि टेक्स्टबुक पे क्या सॉल्व क्वेश्चन रहता है, मैं वो सिखाऊंगा तो कॉपीराइट हो जाएगा, इसके लिए मैं वो सिखाता नहीं हूँ, मैं आपको अनसॉल्व क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट के अपने लेक्चर पे आते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है, थर्ड क्वेश्चन है, आपको पेज नंबर दे दूं मैं टेक्स्टबुक का, पेज नंबर है आपका 115, एंड कुछ एडजस्टमेंट है उसके 116 पे। ओके, तो प्लीज मेरे पास टेक्स्टबुक रखा है, मैं डेस्क पर टेक्स्टबुक है, मैं टेक्स्टबुक में देख रहा हूँ, एंड आप भी प्लीज टेक्स्टबुक ओपन कर लीजिए, क्योंकि बार बार स्लाइड ओपन करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो टेक्स्टबुक ओपन कर लो, एंड अपन धीरे धीरे सम्स करते। तो पहले क्वेश्चन बोलता है, देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। अभी आपको बता दूं रिसिप्ट एंड पेमेंट्स क्या होता है। रिसिप्ट मतलब क्या होता है पता है क्या, इनकम, जो आपको इनकम मिलता है उसको बोलते हैं रिसिप्ट, और पेमेंट जिसको आपको पेमेंट देना है, जिसको आपको पेमेंट करना है बच्चों। ओके, चलो, अब क्या बोला, सब्सक्रिप्शन। रिसिप्ट में क्या आता है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ऑलवेज क्या होता है, आपके लिए इनकम होता है। सब्सक्रिप्शन ऑलवेज आपके लिए क्या होता है, इनकम होता है बच्चों, याद है। आगे हम लोग करेंगे तो सीखेंगे, ठीक है। चलो, पेज पलटी करो, 115 में क्या बोला, एडजस्टमेंट क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर 2018 600, ठीक है, एंड ड्यूरिंग प्रीवियस सब्सक्रिप्शन एडवांस 2017-18 2000 दिया, एंड क्या दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2016-17 दिया, ठीक है। चलो, ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। क्या बोला है कि विद द हेल्प ऑफ अबव इंफॉर्मेशन प्रेजेंट द आइटम सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे खाली रिसिप्ट दिया हुआ है, खाली इनकम दिया हुआ है, पेमेंट कुछ दिया हुआ है क्या, पेमेंट नहीं दिया हुआ है,
तो हम लोग बनाएंगे कैसे, लाइबिलिटीज नहीं बनाएंगे, हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, हमको क्या बनाने का है, हमको क्या बोलना है, क्या बोलना है हमको, सब्सक्रिप्शन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बनाना है हमको, क्या बनाना है, एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है, बैलेंस शीट बोला है, बट बैलेंस शीट क्या है, हमको यार पेमेंट कुछ दिया है क्या, पेमेंट दिया है, खाली इनकम दिया हुआ है, हम लोग खाली इनकम बनाएंगे बच्चों, अगर हमको एक्सपेंडिचर और इनकम बनाना है, हमको बैलेंस शीट बनाना है क्या नहीं, क्योंकि हमको पेमेंट्स दिया नहीं, अगर पेमेंट्स देता तो हम लोग बना देते बैलेंस शीट, बट पेमेंट्स दिया नहीं तो हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। तो चलो सेकंड स्लाइड पे आ गया, हमें ये हो गया, पहले तो आपको लिखना है इन द बुक शॉप, अगर किसी का नाम दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो एक्स वाई जेड भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा मेरे हिसाब से, इन द बुक शॉप एक्स वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, प्रिपेयर, प्रिपेयर करना है आपको, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है, ये लिखना है आपको। अभी मैंने आपको बोला इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो पहले क्या करना, आप सिंपल सी बात है समझ जाओ इधर पे, ठीक है, मैं इसको पहले ऊपर ले लेता हूँ, चलो बस इनफ है, चलो इनफ है, बच्चों ने बोला इनफ है सर, चलो इनफ बोल लिया सर बच्चों ने, तो सब इनफ है। चलो अभी मेरा यहाँ पे क्या बना दिया, कॉलम बनाना है, आपको पता है कि सबसे पहले क्या आता है आपका, एक्सपेंडिचर आता है यहाँ पे, ये आपका हो गया एक्सपेंडिचर, इनर अमाउंट इज द आउटर अमाउंट, ओके, फिर क्या आता है आपका इनकम्स, इनकम्स में दो कॉलम आते हैं, इनर अमाउंट आउटर अमाउंट, आउटर अमाउंट के कॉलम्स, ओके, चलो अंडरस्टैंड बच्चों, ओके सर अंडरस्टैंड। चलिए अभी पहले यहाँ पे क्या आता है, डेबिट साइड लिखना आपको जरूरी है, तो आपको एक मार्क्स चला जाएगा वहां पे, तो आपको याद रखना है डेबिट एंड क्रेडिट कैसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बना रहे, बट आपको लिखना क्या है, एक्सपेंडिचर पहले लिखना है, डेबिट साइड आता है आपका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अमाउंट, 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 चलो हो गया। अब यहां पे क्या आता है आपका इनकम्स, इनकम अमाउंट, मैं सम करूंगा पूरा एटलोमेटिक, आपको सब समझ जाएगा इजीली वे में, कोई इशू नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। अब यहाँ पे क्या बोला है, रिसिप्ट साइड में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या बोला है, टू सब्सक्रिप्शन 2016-17 2000, ठीक है। अब पहले तो बात है, जब हम बिजनेस बना रहे वो कभी बना रहे, देखो मेरा 31 मार्च क्या लिखा है, 31 मार्च डेट लिख दूं मैं यहाँ पे बॉक्स में, 31-31-03-2018 अभी सपोज आपका बिजनेस चालू कभी हो रहा है, एंडिंग कभी हो रहा है, 2018 में हो रहा है, तो ऑलमोस्ट आपका बिजनेस कब चालू हुआ रहेगा बच्चों, आपका बिजनेस 1st अप्रैल 2017 से लेके ले से 31st मार्च 2018 तक चला है, ये आपका क्या करंट ईयर ना बच्चों, ये करंट ईयर, करंट ईयर में आपने जो भी बिजनेस किया है, जो भी है आपको वही लेना है, बाकी कुछ लेना है क्या बच्चों, नहीं लेना है, सिंपल सी बात है, जो भी करंट ईयर में मिला, पहले क्या बोला है टू सब्सक्रिप्शन 2016-17 2000, फिर क्या बोला है 2017-18 60000, अब 17-18 क्या है, 17-18 मेरा करंट ईयर है, तो करंट ईयर का अमाउंट दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है, अब सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या होता है, सब्सक्रिप्शन ऑलवेज आपके लिए क्या इनकम होता है बच्चों, कहां आएगा वो इनकम में आएगा, सब्सक्रिप्शन हमेशा इनकम में आता है, तो आपको क्या लिखना है यहां पे, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन कितना दिया आपको, चलो सब्सक्रिप्शन कितना दिया बच्चों, 60,000, अब मैं क्या यहां पे लिखूंगा 60,000 लिख दिया बच्चों, ठीक है, ये तो होगा, अभी 60,000 हो गया। अब क्या बोला है देखो बच्चों,
2018-19। अब क्या बोला यहाँ पे 2018-19। मैं आपको हमेशा बताया बच्चों कि जब भी आप एक कुछ पैसा एडवांस ले लेते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो आपके लिए कहाँ आएगा, लायबिलिटी में आएगा। एक एग्जांपल दूं, अगर आपका बिजनेस चालू है, आपने किसी बैंक से लोन ले लिया है, तो बैंक वाले को पैसा देना है ना, तो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। सपोज ये करेंट ईयर 2017-18 चल रहा है एंड आपने पैसा 2018-19 के लिए लिया है, तो आपके लिए क्या है, वो लायबिलिटी है। 2017-18 मेरा करंट ईयर है, अगर 2018-19 के लिए आपने कुछ अमाउंट लिया है तो वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज है। बच्चों याद रखना, ऑलवेज याद रखना कि कुछ पैसा अगर आप एडवांस में लेते हो फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो आपके लायबिलिटी में जाएगा बच्चों। ओके चलो, तो हम लोग यहाँ क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चों। लायबिलिटी दिया ना, लायबिलिटी कहाँ आता है, लायबिलिटी आपके बैलेंस शीट में आता है बच्चों। तो चलो बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो पहले क्या लिखेंगे, प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन डेट। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो इसको सिंपल से टॉपिक से ऊपर लेके जाना है हमको, क्योंकि मेरा हाइट नहीं जाएगा बट आपका जाएगा, आपका पेजेस रहेंगे, इजी वे में चलेंगे। चलो अब आपको पता है कि लायबिलिटीज और असेट्स में कभी डेबिट और क्रेडिट नहीं आता है बच्चों, चाहे वो फाइनल अकाउंट हो चाहे वो कौन सा भी अकाउंट हो। अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आपको वहां पे डेबिट और क्रेडिट नहीं आता है, कब भी नहीं आता है, ठीक है। तो आपको ये सब बातें याद रखना है, इन द फ्यूचर आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो मैं आपको फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा हूँ एंड आपको स्ट्रांग बना रहा हूँ बीके में, अकाउंट्स में। तो प्लीज आप जो जो मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, प्लीज मुझे कॉपरेट थोड़ा करेंगे। चलो जितना नॉलेज मेरे पास है सब दे दूंगा मैं आपको, टेंशन ना लो। चलो अब इधर क्या आता है, ऑलवेज लायबिलिटीज आता है बच्चों, लायबिलिटीज यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे क्या आता है, असेट्स आता है, यहाँ पे असेट्स, यहाँ पे अमाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों, फॉर्मेट बन चुका है मेरा। अब सिंपल सी बात है, लायबिलिटीज यहाँ पे क्या बोला, 2018-19 मतलब आपको नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ पैसे एडवांस दे दिया, एडवांस में सब्सक्रिप्शन दिया, इनकम मिला एडवांस, तो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडवांस रिसीव एडवांस सब्सक्रिप्शन इन 2000 ईयर भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लोग वहां पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंपल सी बात है। चलो यहाँ पे टू और बाय कभी यूज नहीं होता है बच्चों, तो टू और बाय यूज नहीं करना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है कहाँ में, एडवांस में हुआ है, ये डाल देंगे तो आपको समझने के लिए इजी होगा। आपका करेंट ईयर क्या था बच्चों, 2017-18 था, तो आपका नेक्स्ट ईयर क्या होगा बच्चों, 2018 से लेके 2019 के लिए कितना अमाउंट दिया बच्चों, 45,000 दिया है, बाहर कॉलम में लिख दिया मैंने 45,000। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो पेज को पलटी करेंगे आप लोग, उसमें कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। पहला क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2018-17-18 6,000। चलो अब मैं आपको देखो तो बता दो क्या बोला है, पहले देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2017-18 60,000। अब क्या है, आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर का जितना भी चीजें आएगी आपको क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। करंट ईयर के जितने भी चीजें आएंगे आपको क्या करना है बच्चों, ऐड करना है ना। तो चलो इसके दो इफेक्ट होंगे बच्चों, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, आपके असेट्स में जाएगा, क्योंकि आपको आउटस्टैंडिंग है, आपको इनकम मिलना है, इनकम मिलना है तो क्या आपके लिए असेट्स है ना बच्चों। सपोज अगर मुझे इनकम मिलना 2000 है, मुझे मिला कितना 1500, बाकी 500 मिलना है, तो मेरे लिए क्या असेट्स है ना वो, तो कहां पे आएगा असेट्स में। और फर्स्ट इफेक्ट कहां पे जाएगा, आपके इनकम में। ऐसे में बताया आपको बच्चे, गला बहुत खराब चल रहा है बिकॉज हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो क्लाइमेट की वजह से बहुत गला खराब है, बट प्लीज समझना। चलो ओके, अब क्या बोला यहाँ पे, लायबिलिटीज में आ गया मैं, पहले तो सब्सक्रिप्शन में ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर। करेंट ईयर में मिला है ना हमको, करेंट ईयर का है,
करेंट ईयर का कितना है, 2017 से लेके 18 तक मेरा करेंट ईयर है, तो कितना दिया है, 6000 दिया है, लिख दिया मैंने 6000 इजी वे में, ठीक है। अब सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा आपका, असेट्स में जाएगा बच्चों, तो सिंपल सी बात है असेट्स में जाएंगे हम लोग, असेट्स में आगे यहां पे क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर, फॉर द करेंट ईयर, फॉर द करेंट ईयर 2017 है ना हमारा करेंट ईयर, चलो 17-18 करेंट ईयर है, बरोबर है। चलो कितना बोला आपके करेंट ईयर में, कितना बोला है बच्चों, चलो कितना बोला है, 6000, तो ले लिया मैंने 6000, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब नेक्स्ट पे जाएंगे आप लोग, नेक्स्ट क्या बोला देखो, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीविंग एडवांस 2018 17 18 2000। अब 2017-18 में ही आपको क्या मिला है, एडवांस में पैसा मिला था 2000 रुपए, ठीक है, 2017-18 में मिला था आपको एडवांस में पैसा मिला था, आपके लिए क्या इनकम से बच्चों, देखो क्वेश्चन पे जाओ, देखो ये क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर मतलब इसके पहले साल आपको एडवांस में पैसा मिल चुका था इसका, मतलब आपका जो 2017-18 करेंट ईयर है तो उसके पहले वाला ईयर मतलब 2016-17 में आपको कुछ पैसा उन्होंने एडवांस दिया था, ये ईयर के लिए करेंट ईयर के लिए कुछ पैसा आपको एडवांस दिया था। सपोज अभी 2023 चल रहा है, अब 23 में जो चल रहा है 2000, मुझे 2022 में किसी ने पैसा कुछ दिया था एडवांस फॉर द इस ईयर के लिए, करेंट ईयर के लिए, तो वो कहां पे होगा, ऐड होगा ना बच्चों, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपको 2000 मिला है करेंट ईयर के लिए बच्चों। चलो तो करेंट ईयर के लिए मेरा, तो यहां पे क्या करेंगे, ऐड ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर रिसीव इन करेंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर अमाउंट रिसीव लिख दो वो भी चलेगा, ठीक है, अमाउंट रिसीव, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर अमाउंट रिसीव, ठीक है, रिसीव फॉर द करेंट ईयर, ठीक है। अब कितना बोला है देखो बच्चों, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, और अगर आपको नहीं जमता है बच्चों तो आप क्या लिखोगे मालूम है क्या, आपको इजी है बता, आप इतना बड़ा लिखोगे आप कन्फ्यूज जाओगे, क्योंकि आप अभी नए नए हो ना, आपको इजी में समझेगा नहीं, तो इससे अच्छा मैं आपको इजी में बोल लिख देता हूँ, ड्यूरिंग आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट ईयर, इसके पहले वाले को क्या बोलते हैं आप लोग, लास्ट ईयर बोलते हैं ना बच्चों, तो लास्ट ईयर लिख दो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। कितना बोला है लास्ट ईयर, 2000 बोला है ना, तो कितना लिखने का आपको, 2000 ही है ना। चलो अब क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016-17 2500, देखो यहां पे आ जाओ क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2016-17 2500, मगर 67 में कितना मिला आपको, 2000 मिला है, मिलना कितना था, 2500 मिलना था, बट मिलना मिला कितना है, 2000 मिलना कितना था, 2500, बट मिला कितना है, 2000 मिला था, मतलब क्या 500 रुपए आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग ऑलवेज कहां जाता है, आपके असेट्स में जाता है, क्योंकि आपके लिए असेट्स है ना बच्चों, ठीक है। तो सिंपल सी वर्ड, चलो असेट्स में आ जाओ, असेट्स में आ जाओ, क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन फॉर द लास्ट ईयर, फॉर द लास्ट ईयर्स, क्या बोला है, 2016-17, अंडरस्टैंड बच्चों,
2016 17 2016 17 ठीक है। अब 16 17 में कितना बोला था मिलने वाला था आपको 2500 मिलने वाला था 2500 बट मिला कितना है 2000 मिलने वाला कितना था बेटा मिलने वाला इतना था ना मिला कितना आपको 2000 मिला है ना बच्चों यहाँ पे आपका क्या हो गया लॉस हो गया ना 500 रुपए का तो क्या आएगा 5500 लॉस चलो हो गया सब एडजस्टमेंट आपके हो गए कुछ बचे क्या कुछ नहीं बचे अब क्या करना है आपको टैली करना है तो फर्स्टली अमाउंट टैली करेंगे आप कितना हो गया 666 और प्लस 268 हो गया तो आप इजी में यहां पे क्या लिखेंगे देखो देखो आप क्या टैली कर लिया ना आपने कितना है 68 तो आप यहां पे क्या लिखेंगे द सब्सक्रिप्शन द सब्सक्रिप्शन रिसीव इन करेंट ईयर कितना बोला करेंट ईयर 68,000 कितना आएगा 68,000 अब दूसरा क्या है दूसरा है द द सब्सक्रिप्शन रिसीव इन क्या बोला है इन प्रीवियस ईयर तो पहले हो गया द सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एडवांस में मिला आपको कितना मिला एडवांस में एडवांस 45,000 है ना देख लो यहाँ यहीं पे देख लेते चलो ओके चल अब क्या बोला एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 6,500 यहां पे लिखेंगे द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन कितना है 6,000 एक मिनट देखने दो 6,500 चल आप आंसर चेक करेंगे आंसर दिया हुआ है कितना दिया है आंसर आपका दिया है यहाँ पे देखो 68,000 दिया है आया ना आपको यहाँ क्या बोला था निकालने के लिए देखो सिंपल क्वेश्चन पे जाओ क्या बोला था निकालने के लिए कि इन द अबव प्रेजेंट सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च इनकम एंड एक्सपेंडिचर सब्सक्रिप्शन कितना आपका 68,000 है मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको सामने द सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द करेंट ईयर 68,000 अंडरस्टैंड बच्चों एंड सब्सक्रिप्शन एडवांस में कितना मिला आपको 45,000 नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस में मिल गया वो आपकी लाइबिलिटी में आता है बरोबर फिर कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 6,500 कितना आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है अंडरस्टैंड आपको समझा रहेगा ये सब बहुत इजीली समझा रहेगा क्योंकि बहुत डिप में पढ़ा रहा हूं तो आपको इजी में समझ गया रहेगा ना बच्चों अंडरस्टैंड देखो मैं कभी भी पढ़ाता हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे सामने कैमरा नहीं मैं बच्चे तो मैं आपको पूछता हूँ तो प्लीज मुझे आप लोग रिप्लाई दीजिए हाँ सर समझा ठीक है एंड वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा वो मुझे कमेंट से मालूम पड़ेगा तो आप लोग प्लीज कमेंट्स करके बताइए सर तो मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरे बच्चों लोग को समझा क्योंकि मेरे सामने कैमरा है मुझे मालूम पड़ता है क्या नहीं बट मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना तो आप मेरी बातों को सुन रहे तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि अच्छा खराब मतलब आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन सेकेंड क्वेश्चन क्वेश्चन हो गया अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है प्रिपेयर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली पहले आपको क्वेश्चन में क्या बता दिया कि आपको खाली इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है बैलेंस शीट बनाना है क्या बच्चों नहीं बनाना है आपको बैलेंस शीट ड्रॉ करना है क्या नहीं करना है चलो फिर क्या बोला है देखो बच्चों सिंपल सी बात है फ्लोइंग इज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ सतारा स्पोर्ट्स क्लब सतारा प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट ठीक है अब आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया मैंने आपको ऑलवेज बोला है कि रिसीप्ट आपके लिए क्या है आपके लिए इनकम है पेमेंट्स आपके लिए क्या है एक्सपेंडिचर है तो रिसीप्ट क्या होता है आपके लिए पेमेंट होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है आपके लिए और रिसीप्ट क्या होता है आपके लिए इनकम होता है पेमेंट क्या होता है आपके लिए एक्सपेंडिचर होता है तो चलो रिसीप्ट दिया हुआ अब रिसीप्ट आई ऑलवेज कहाँ आएगा पता है क्या आपको आपके इनकम में आएगा आपके इनकम में और आपके लाइबिलिटी साइड ही जाएगा इसके सिवा कहीं जाने वाला नहीं है
और पेमेंट्स आपके ऑलवेज एक्सपेंडिचर में जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा एंड असेट्स में जाएगा, इसके सिवा कहीं जाने वाला नहीं है बच्चों। याद रखिए, आपको समझ गया कि रिसीप्ट साइड ऑलवेज आपके इनकम साइड में जाएगा और आपके लायबिलिटी साइड में जाएगा, और आपका जो पेमेंट है वो ऑलवेज आपके एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा और असेट साइड में जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया? चलो सिंपल है। चलो अब क्या करना है, पहले आपको पोस्टिंग करना है, तो आपको क्या बनाने का है, इनकम एंड बनाने का था, तो सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, चलो एक स्लाइड ले लिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, इन द बुक्स ऑफ सतारा स्पोर्ट्स टेक्सबुक में देखो आप लोग, टेक्सबुक में दिया हुआ आपके सतारा स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है, सतारा स्पोर्ट्स क्लब। अब क्या बनाना है आपको, प्रिपेयर करना है, क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अंडरस्टैंड, एज द ईयर इंडेड 31st March, क्या बोला, 31st मार्च, डेट क्या दिया, 31st मार्च 2019, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 31st मार्च 2019, इसी वे में हो गया। चलो इसको ऊपर लेना है फटाक से आपको, चलो ले लिया मैंने फटाक से, इसको ऊपर ले लिया। चलो अब क्या बनाना है आपको, रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है बच्चों। तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉलम ड्रॉ करना है, जो आपको टेक्सटबुक में फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया आपने, चलो इसी वे में कर दिया बच्चों ने, फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। चलो ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, एंड अभी का यहाँ पे चलो इनकम के लिए बना देंगे, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम हो गया बच्चों, चलो इजी वे में समझ लें। चलो फिर क्या करना है देखो, अभी आपको सिंपल समझना है, कुछ नहीं करना है आपको, ऑलवेज आप जब भी रेवेन्यू अकाउंट्स बनाते हो तो आपके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आएगा, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, डेबिट साइड क्या आएगा, ऑलवेज आपका एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा, क्या आएगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर, आपका इनर कॉलम में क्या आएगा, अमाउंट, आउटर कॉलम में क्या आएगा, अमाउंट, क्रेडिट साइड क्या आएगा, आपका इनकम आएगा, क्या आएगा, इनकम, यहाँ पे क्या आएगा, आपका अमाउंट, यहाँ पे क्या आएगा, आपका अमाउंट, अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, फेसबुक पे आ जाओ, अभी आपको क्या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब ब्रॉट डाउन ऑलवेज क्या होता है आपके लिए, ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक होता है, तो ओपनिंग स्टॉक को लेना है क्या यहाँ पे, नहीं लेना, आपको क्या लेने का है, क्लोजिंग स्टॉक लेना है, क्योंकि कैश इन हैंड क्या होता है, आपका असेट्स होता है, तो असेट्स कभी भी कब लेते हैं हम लोग, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक का रहता है उसका असेट्स लेते हैं बरोबर, तो इसको आपको लेना है क्या यहाँ पे, नहीं लेना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको लेना नहीं, आपको क्या लेना था, क्लोजिंग स्टॉक लेना है, ये और लेने का है, आप बोलेंगे सर दो दो दिया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन भी दिया एंड अपना बैलेंस इन कैरिट डाउन दिया है, तो आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन कब भी लेना नहीं है, आपको क्या लेने का है, बैलेंस कैरिट डाउन, आपका क्लोजिंग स्टॉक लेना है आपके असेट्स में, बट यहाँ पे क्या आपको असेट्स बनाने बोला है क्या, बैलेंस शीट बनाने बोला है क्या बच्चों, नहीं बोला है, तो आपको अभी यहाँ पे ये भी नहीं लेना है, तो यहाँ पे आप इसको भी पेंसिल से मार्क कर सकते हो, ठीक है, पेंसिल से मार्क कर दिया। चलो अब क्या बोला है, पोस्टिंग करने बोला है, टू सब्सक्रिप्शन बोला है ना, अब सिंपल सी बात है बच्चों, सब्सक्रिप्शन बोला मतलब क्या, आपका इनकम है, आपको इनकम मिल रहा है, तो आपका करंट ईयर क्या है, देखो मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे, आपका बिजनेस चालू कभी हो रहा है, 31st मार्च को, तो आपका स्टार्ट कभी होएगा, 1st अप्रैल 2018 में स्टार्ट होएगा, क्लोज कभी हुआ है आपका, 31st मार्च 2019, तो 2018-19 आपका क्या है ये बच्चों, करंट ईयर है, कौन सा ईयर है, करंट ईयर है, तो हम जब अकाउंट्स बनाते हैं तो हमारे करंट अकाउंट के हम पूरे इन्फॉर्मेशन लेंगे, ओके, तो चलो करंट अकाउंट में क्या बोला है, 2018-19 करंट ईयर मेरा, तो कितना बोला है करंट ईयर, 44,500, तो सिंपल यहां पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करंट ईयर करेंट ईयर मेरा क्या था, 2018-19 है ना बच्चों, ये देखो 2018-19 है, तो सिंपल है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिखूंगा ब्रैकेट में 2018-19, कितना बोला है,
44,500। अंडरस्टैंड, इतना ही बोला ना, 44,500। ठीक है, अब क्या करना है, देखो नीचे क्या बोला है, टू इंट्रेंस फी कितना बोला है 8,000। अब इंट्रेंस फी पे क्या था, एडजस्टमेंट था। चलो फटाक से आ जाओ इंट्रेंस फी पे आ जाओ। चलो कितना बोला है इंट्रेंस फी, कितना बोला है 8,000। तो टू, यहाँ पे टू लिखा है, तो आप लोग यहाँ पे टू मत लिखना, आपको यहाँ पे बाय यूज करना है बच्चों, बाय आता है क्रेडिट साइड पे, ऑलवेज बाय यूज करना है, बाय इंट्रेंस फीस, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख दिया मैंने 8,000। ठीक है चलो, ये देखो इन्हें इंट्रेंस फी पे एडजस्टमेंट था लिख दिया, अभी क्या रेंट पे और सब्सक्रिप्शन पे है, तो सब्सक्रिप्शन तो हमने अंदर अमाउंट में लिखते हैं ऑलवेज, आपको पता है कि इसके ऊपर ऐड रहता ही है, तो मैंने लिख दिया, बट इसके लिए आपको जगह छोड़ना है, तो इसको मैं रफ कर दूं यहां से। चलो रफ कर दिया यहां से, चलो इसके लिए जगह छोड़ना है ना हमें, तो मैं क्या करूंगा नीचे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बाय बाय इंट्रेंस फीस कितना बोला है 8,000 बोला है। ठीक है लिख दिया, अब इसके जगह छोड़ दिया, अब क्या बोला है देखो क्वेश्चन में आ जाओ, क्या बोला है इंट्रेंस फी के बाद टू डोनेशन, डोनेशन कितना बोला 17,000। अब इसके लिए जगह भर गया तो मैं एक नया स्लाइड बना लूंगा फटाक से। चलो नया स्लाइड बना लो आप लोग, मैं बनाऊंगा आपको नहीं बनाना क्योंकि आपको बस तो पेजेस रहेंगे बड़े वाले ना। ठीक है चलो ये लिया इनका एक्सपेंडिचर का, चलो अंडरस्टैंड बच्चों, चलो 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 ये हो गया, चलो हो गया आपको फेसबुक पर आ जाओ। क्या बोला है देखो, क्या बोला है टू डोनेशन कितना बोला है 70,000 बोला है, डोनेशन कितना बोला है आपको 70,000 डोनेशन बोला है यहाँ पे बच्चों, तो डोनेशन आपको लिखना है फटाक से। चलो लिखो यहाँ पे बाय डोनेशन 70,000। ठीक है अब क्या बोला है देखो, डोनेशन किसके लिए बोला है, बिल्डिंग फंड के लिए बोला है। अब डोनेशन जिसके लिए बोलेगा वो डोनेशन से क्या होएगा, लेस होएगा, डोनेशन जिस चीज के लिए बोला रहेगा वो उससे लेस होएगा, तो यहां पे किसके लिए बोला है लेस, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड कितना दिया है, बिल्डिंग फंड दिया है, बिल्डिंग फंड नहीं दिया है तो हम लोग पूरा लेस करेंगे, अगर दिया रहेगा तो उतना लेंगे, नहीं दिया रहेगा तो पूरा, तो यहां पे क्या आएगा नील हो गया, नील हो गया आपका। चलो अब क्या बोला है देखो, उसके बाद क्या दिया है टू इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट कितना बोला है 600 रुपया, यहां पे क्या लिखेंगे बाय इंटरेस्ट कितना बोला है 600। अब क्या बोला है देखो टू सेल ऑफ फर्नीचर, अब सिंपल सी बात है, आपने यहां पे क्या किया फर्नीचर सेल किया, देखो मैं टेक्स्ट बुक में देख रहा हूं आप लोग, मैं एक बार यहां समझा देता हूं समझ में आएगा आपको, आपने क्या किया फर्नीचर को सेल किया, जो कितने का सेल किया 4,500 लिया, कितने का था 8,000 का, यहाँ पे क्या हुआ लॉस हुआ, तो लॉस हमेशा कहाँ जाता है, लॉस हमेशा आपके एक्सपेंडिचर साइड में ही जाता है, यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो कहाँ पे जाएगा आपके एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा ऑलवेज। चलो तो आपको क्या करना है, चलो आगे हम लोग इधर पे आ गए। ठीक है अभी क्या करना है, यहां पे लिखने का टू लॉस ऑन सेल इन फर्नीचर, कैसे लॉस होएगा आपको कितना बोला था 8,000 बोला है बच्चों, देखो 8,000 दिया हुआ है यहां पे आपके फर्नीचर में दिया है, कितने का अभी कितने का आपको रिसीव कितना हुआ 4,500, तो यहां पे कितने का लॉस हुआ आपका 3,500 का, क्या हुआ बच्चों लॉस हुआ ना यहां पे आपका, देखो 3,500 का लॉस हुआ बच्चों बराबर। देखो टू सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू कितना था आपका 8,000 का बुक वैल्यू था बराबर, आपको इनकम कितना हुआ रिसीव कितना हुआ 8,000 का देना बट रिसीव कितना हुआ 4,500, तो कितना हो गया आउटस्टैंडिंग 3,500 क्या हो गया आपका आउटस्टैंडिंग हो गया बच्चों। ठीक है चलो अब क्वेश्चन पे आओ, फेसबुक पे आ जाओ, फिर क्या बोला आप पेमेंट साइड में आ जाओ, अब पेमेंट साइड में क्या बोला बाय सैलरीज, तो सैलरीज किधर आएगा आपके इधर आएगा एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, मैंने आपको बोला कि वो साइड ऑलवेज आपके एक्सपेंडिचर और असेट्स में आएगा बच्चों, तो क्या आएगा टू सैलरीज कितना है 5,000 इस पे एडजस्टमेंट है क्या नहीं, तो बाहर कॉलम में लिखेंगे इसका अमाउंट कितना आएगा 3,500। ठीक है अब सैलरीज के बाद क्या बोला है बच्चों रेंट, रेंट कितना बोला है 5,000, तो यहां पे लिखना है टू रेंट
पेरेंट 5000। अब उसके अंदर भी आपको एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, क्या बोला है देखो बच्चों, इंक्लूडिंग 2000 फॉर 2017-18। अब इसके पहले साल आपको क्या दे दिया, एडवांस में पैसा दे दिया आपको, जो 5000 देना था तो इसमें इसके पहले साल आपको 2000 क्या किया, एडवांस दे दिया, तो वो क्या होएगा, लेस होएगा क्योंकि आपको पहले ही एडवांस मिल चुका है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेस इंक्लूडिंग फॉर लास्ट ईयर, आपको लास्ट ईयर में मिला था कितना, मिला था बच्चों 2000 मिला था, चलो यहां पे कितना आ जाएगा 3000। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, बाद में करेंगे, पहले पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना दिया है 1450। तो आपको यहां पर लिखने का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्योंकि आपके लिए एक्सपेंसेस है ना, इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस क्या आपके लिए बच्चों एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, कितना बोला है 1450, अंडरस्टैंड बच्चों 1450 ही बोला है ना। चल फिर क्या बोला है, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो भी किधर आएगा, आपके इधर ही आएगा, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना बोला है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना, देखो बच्चों बुक में देखो 750, तो यहां पे लिख दिया मैंने 750, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया, प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद क्या दिया, बाय जनरल एक्सपेंसेस, तो वो भी इधर ही आएगा, चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, टू जनरल एक्सपेंसेस, कितना बोला है बच्चों जनरल एक्सपेंसेस, देखो जनरल एक्सपेंसेस कितना बोला है, जनरल एक्सपेंसेस बोला है 5500, चलो 5500। अब बोलेंगे सर आपने अंदर क्यों लिखा है, अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि आपको हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ, उसके अंदर देखो एडजस्टमेंट दिया, क्या दिया बोला है, इंक्लूडिंग 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, इंक्लूड मतलब 500 रुपया आपको नेक्स्ट इस साल के लिए मिल चुका है, आपको 500 रुपया अगले इसके पहले वाले साल ही मिल चुका है, तो क्या होएगा बच्चों लेस होएगा ना बच्चों, क्या करेंगे लेस इंक्लूडिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है, कितना कितना मिला था 500, बाहर कितना आएगा 5000, अंडरस्टैंड ना बच्चों। चलो अब क्या बोला है 5000 के बाद क्या बोला है, देखो आपको सिंपल सी बात है यहाँ पे, अभी देखो क्या बोला है, परचेस बोला है, तो मैंने आपको ऑलवेज बोला है कि परचेस का एक फॉर्मेट अपना कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक, अंडरस्टैंड क्या बोला मैंने, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस देन क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया गया बच्चों, नहीं दिया, तो आपको क्या करना, आपको एडजस्टमेंट में आना है, देखो मैं एडजस्टमेंट दिखाता हूँ, क्या दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1st April 2018 6000 एंड 31st March 2019 14। तो ये जो पहला साल है जो आपका 1/4/2018 करंट ईयर है, वो आपके लिए क्या है, ओपनिंग है, ओपनिंग स्टॉक हो गया, एंड 31st मार्च को बिजनेस क्लोज करो तो क्या हो गया, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया बच्चों। चलो क्लोजिंग स्टॉक, तो यहां पे आपको लिखना है, क्या लिखना है बोलो, चलो क्या लिखने का, टू ओपनिंग स्टॉक, कितना था ओपनिंग स्टॉक आपका 6000, सिंपल वे में लिखना है 6000, फिर क्या बोलते हैं उसके अंदर, ऐड परचेस, क्या किया हमने, ऐड परचेस क्या किया, स्टॉक मटेरियल्स, देखो आपको दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, देखो सिंपल वे में दिया है, क्या दिया है देखो, स्टॉक ऑन परचेस मटेरियल कितने का था 40000 का था, तो सिंपल आपको यहां पर लिखने का क्या लिखना है 40000 लिख दिया बच्चों। अब क्या करना, यहां से लेस होता है, क्या लेस होता है बच्चों, ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक आपका लेस होता है ऑलवेज, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक आपके एडजस्टमेंट में दिया है, कितना दिया है बच्चों, मैंने आपको दिखा दिया है 14000 दिया हुआ है, तो यहां पे आपको कितना लिखने का है 14000। चलो अभी कैलकुलेशन करेंगे इसका आप लोग, चलो मैं कैलकुलेशन करता हूं, आप लोग मोबाइल में फोट पहले कितना 40000 है, तो चलो मैं ले लिया 40000, पहला कितना है 6000 ले लिया, फिर कितना है 40000 ले लिया, फिर कितना है, फिर माइनस कितना है, माइनस 14000 कितना आया 32000 आया, 32000 हो गया। चलो अब कुछ एडजस्टमेंट बचा हुआ था, जैसे कि आपको पता है करंट ईयर में कितना है 4500 रुपया करंट ईयर है, तो करंट ईयर ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है ना बच्चों,
ऐड करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर, करेंट ईयर, करेंट ईयर कितना बोला करेंट ईयर का, देखो 4500, तो यहां पे लिखेंगे 4500। अब इसको कैलकुलेशन करो आप लोग, 44,500 प्लस 4500 कितना आएगा, 49,000। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो अब क्या बोला, सेकंड क्या बोला, आउटस्टैंडिंग रेंट 1000। चलो अभी आउटस्टैंडिंग रेंट बोला है आपको, तो आपको रेंट में क्या करना है, पहले तो ऐड करना है ना बच्चों। चलो अभी अभी जगह नहीं छोड़ा हम लोग ने, फिर भी हो जाएगा, समझ जाएगा आपको। ऐड आउटस्टैंडिंग, एक मिनट, नहीं समझेगा ना आपको। चलो दूसरा ऑप्शन अपने पास है, चलो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे हम लोग भूल गए थे स्पेस छोड़ने के लिए, बट हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कर दूंगा, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा, बेफिक्र रहिए आप लोग। चलो चलो अब क्या बोला, यहाँ पे लेस बोला है ना, यहाँ पे क्या होएगा, ऐड होएगा, ऐड आउट स्टैंडिंग रेंट, क्या होएगा आपको यहाँ पे, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करेंट ईयर, फॉर करेंट ईयर का है कितना है, 1000 है। चलो हो गया 1000। चलो इसके अमाउंट को हम नीचे ले ले थोड़ा आपको समझ में आने के लिए। चलो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 4000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, आपके आउटस्टैंडिंग है तो आपका एसेट्स में जाएगा, बट यहाँ पे आपको बैलेंस शीट बनाना है क्या बच्चों, नहीं बनाना है बैलेंस शीट, तो हम लोग वो बाद में देखेंगे, पहले जो बनाना है हम लोग वही देखना है, ठीक है, सिंपल हो गया। अब एडजस्टमेंट में जाते हैं, क्या बोला है, इंट्रेंस फी टू बी ट्रीटेड। अब इंट्रेंस फी क्या बोला है, ट्रीटेड बोला है ना बच्चों यहाँ पे। अब इंट्रेंस फी खाली आपको क्या दिया है, क्या दिया आपको, सिर्फ एक आपको नोटिस दिया हुआ है इंट्रेंस फी का, ठीक है, नोटिस दिया है तो कुछ नहीं करने का आपको, सिंपल से छोड़ देने का है, ठीक है। अब इंट्रेंस फी हमारा कहा है, देखो इंट्रेंस फी इधर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे बाहर के कॉलम में उसका अमाउंट, क्योंकि हम लोग खाली एक इन्फॉर्मेशन दिया था, एडजस्टमेंट नहीं दिया था। चलो ये भी हो गया। अब क्या बोला है, ये भी हमारा एडजस्टमेंट हो गया। आप क्या करेंगे, आप लोग टैली करेंगे। अब टैली करते वक्त आपको हाथ, आपके हाथ में क्या लेना है, पेंसिल लेना है एंड कैलकुलेशन करना है। पहले करेंगे 4900 49,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 प्लस 600 कितना यहाँ पे आ रहा है, 5760। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो अब यहां का करते हैं, कितना है पहले 3500, फिर कितना है 5000, फिर कितना है 4000, 4000 फिर कितना है 1450 प्लस, फिर कितना है 750 प्लस, फिर कितना है 5000 प्लस, फिर कितना है 32000 प्लस, कितना हो गया यहाँ पे 5170। तो दोनों में से अमाउंट बड़ा कौन सा है, बड़ा अमाउंट ही है ना, तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे 5760। यहाँ पे क्या लिखेंगे 5760। अब क्या करना है आपको, 5760 में से माइनस करना है किसको, 5170 कितना आएगा आपका 5900। तो अब भी मैं ऑलवेज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका इनकम ज्यादा है आपके एक्सपेंडिचर से तो क्या होएगा, सरप्लस होएगा। अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है आपके इनकम से तो क्या होएगा, डेफिसिट। तो यहाँ पे क्या, आपका इनकम ज्यादा है आपका एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे क्या होएगा, सरप्लस। तो क्या लिखेंगे, टू सरप्लस फॉर द ईयर, फॉर द करेंट ईयर, आपके करेंट ईयर में कितना हुआ है सरप्लस, 5900। अभी आप लोग चेक करेंगे आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। देखो आपका आंसर आया ना 5900, तो मैंने वो ले लिया, आंसर अपना राइट है। चलो अंडरस्टैंड बच्चों, समझ में आया। चलो अब इसमें आपको यही समझा होगा कि आपको बैलेंस शीट बनाना है, तो हमने बैलेंस शीट में कुछ लिखा नहीं, बट अगर बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ था, फोर्थ हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 5 कराएंगे, उसमें आपको और अच्छे से डाउट क्लियर होगा, मतलब आपके जो डाउट्स है ना वो धीरे धीरे क्लियर होंगे, क्योंकि अभी हम लोग सम के स्टार्टिंग किए,
आपके टेक्स्ट बुक में 14 सम है, तो 14 सम करेंगे तो धीरे धीरे आपको जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको देखो इसमें ऐसा है कि हर चीज लेना जरूरी नहीं है, आपको कुछ कुछ चीज लेना है, कुछ कुछ चीज छोड़ना है इसमें, तो आपको क्या लेना है क्या छोड़ना है आपको धीरे धीरे अपन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा एंड आपको समझा रहेगा, प्लीज आप इसे प्रैक्टिस कर दिए और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लेके आएंगे एंड उसको क्वेश्चन नंबर 5 लेके आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो उससे आपका माइंड स्टडी और बढ़ेगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, प्लीज बाय।